तो वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज हम लोग भाई बात करने वाले हैं स्पाइडर फाइटर 3 गेम के बारे में, कैसे ये गेम डाउनलोड करना है सब बताने वाला हूं मैं। तो भाई वीडियो देखो भाई एंड तक। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस वेलकम टू स्पाइडर फाइटर 3। तो गाइस सबसे पहले हम लोग भाई इस गेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस इस गेम में आपको भाई प्यारा सा स्पाइडरमैन का कैरेक्टर प्ले करने को मिल जाता है। और गाइस सबसे अच्छी बात इस गेम में कि आपको भाई फाइट भी देखने के लिए मिल जाएगी इस गेम में। और गाइस इस गेम में आप सभी लोग यार कैरेक्टर को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो गाइस ये वाला गेम यार मुझे यार काफी पसंद आया, आप लोगों को भी यार काफी पसंद आएगा ये वाला गेम। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यार ये वाला गेम कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइस देखो लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लेना। और गाइस ये वाला गेम यार यूं ही डाउनलोड नहीं होगा। आपको क्या लगा यार लिंक पर टैप करने से गेम डाउनलोड हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, गेम ऐसे डाउनलोड नहीं होगा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो गाइस अगर आपको ये वाला गेम डाउनलोड करना है तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी प्ले स्टोर की आईडी को यूएसए कंट्री से कनेक्ट कर लेना है, और फिर बाद में कोई भी वीपीएन डाउनलोड करके यूएसए सर्वर में कनेक्ट कर लेना है। और फिर गाइज गेम आपका आसानी से चल जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज यही है स्पाइडर फाइटर 3 गेम को डाउनलोड करने का प्रोसेस। तो गाइज अगर आपको गेम डाउनलोड करना है तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलो गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाकर फटाफट से लाइक कर दो, और जो बंदे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।